छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने के मौके पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई शिव शौर्य यात्रा कल्याण पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कोंकण क्षेत्र से यह यात्रा शुरू की गई है। कल्याण पहुंचने पर स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़ ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और यात्रा का भव्य स्वागत किया। भाजपा विधायक के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग पहुंचे। ढोल नगाड़ों के बजाकर पटाखे फोड़कर यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज के नारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा नहीं, शौर्य यात्रा है। शौर्य यात्रा ये पूरे भारत देश में निकाला जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक होकर 350 साल पूरे हो गए हैं और 350 साल में उसके बाद भी आज भी आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जब भी नाम लेते हैं तो हमारे एक शरीर में एक नई ऊर्जा निर्माण होती है और वो ऊर्जा युवा पीढ़ी के हर युवा पीढ़ी में ऊर्जा निर्माण होए, इसलिए ये शौर्य यात्रा देशभर में निकाली गई है। एक पैर हिंदुत्व के और एक पाव हिंदुत्व की और ये शोभा यात्रा का एक मानव चिन्ह रहेगा और इस शोभा यात्रा में जो भी युवा पीढ़ी है वो शामिल होके हमारी नई चेतनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार इनके सब में आने चाहिए, इसलिए ये शौर्य यात्रा शुरू की।